हाँ हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सुप्रिया सोनालिका। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो क्लास है इसमें मैं यूजी सेमेस्टर 5 के का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करूँगी। और मैंने अपने लास्ट क्लासेस में यूजी सेमेस्टर 5 के 2 पेपर का डिस्कशन मैं कर चुकी हूँ। सिलेबस का पेपर 11 एंड पेपर 12, ब्यूरोक्रेसी एंड कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का जो पेपर था उसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। आज के क्लास में हम लोग जो इसमें 2 स्पेसिफिक पेपर पढ़ना है, DSE 1 ऑनर्स स्पेसिफिक पेपर ये होगा, DSE 1 और DSE 2। तो DSE 1 जो पेपर है ये इलेक्टिव पेपर होगा और इस पेपर का नाम है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, है ना, भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति। और इसके अंतर्गत हमें कुछ टॉपिक्स को देखने हैं, कुछ चैप्टर्स को देखने हैं। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा इसके अंतर्गत वो है फॉरेन पॉलिसी, मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। भारतीय जो विदेश नीति क्या है और विदेश नीति के जो विभिन्न सिद्धांत है, अध्ययन करने के जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं उनका अध्ययन हम लोग करेंगे फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। दूसरा जो यूनिट है वो है प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। जो भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और उद्देश्य, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत और उद्देश्य, दूसरा जो हमारा चैप्टर होगा इसको हम लोग कहेंगे। तीसरा जो हमारा चैप्टर होगा वो है डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इसका मतलब भारतीय विदेश नीति के निर्धारक जो डिटरमिनेंट्स हैं उनको देखना है। इसमें आपको बाह्य और आंतरिक दो निर्धारक होते हैं, उनको दोनों को अध्ययन करना है इसके अंतर्गत। फोर्थ जो हमारा यूनिट होगा उसको है इंडियाज़ पॉलिसी टुआर्ड्स हर नेवर्स इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो भारत की जो विदेश नीति है, पॉलिसी है, उसको देखना है अपने पड़ोसियों के साथ आफ्टर पोस्ट जो कोल्ड वॉर था, पीरियड था, उस समय भारत का संबंध विदेश नीति का जो है उसको देखना है पाकिस्तान और बांग्लादेश के संदर्भ में। फिफ्थ जो यूनिट है वो है इंडियाज़ पॉलिसी टुवार्ड्स आर नेबर्स इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, और इसमें आपको नेपाल और श्रीलंका के साथ देखना है। फोर्थ चैप्टर में पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के साथ देखना है, और फिफ्थ में जो है नेपाल और श्रीलंका के साथ देखना है। वर्ल्ड वार के बाद का जो था हमारा फॉरेन पॉलिसी, हमने क्या बनाई थी इन सब देशों के साथ, उसका अध्ययन करना है। छठा जो यूनिट होगा हमारा वो होगा इंडियाज़ अप्रोच टुवार्ड्स मेजर ग्लोबल इश्यूज़। ठीक है, भारत का दृष्टिकोण जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, समस्याएं हैं उस पर, और ख़ासकर जो मुद्दे ग्लोबलाइजेशन और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वैश्वीकरण और सीमा पार आतंकवाद जो है इसके कंटेक्स्ट में देखना है कि भारत का अप्रोच क्या है। ठीक है, उसके बाद जो सेवेंथ चैप्टर होगा वो है इंडियाज़ रिलेशन विथ USA एंड रसिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। अब इसमें आपको भारत का संबंध देखना है अमेरिका के साथ और रसिया के साथ आफ्टर कोल्ड वॉर जो है, पोस्ट कोल्ड वॉर जो है के समय में क्या था उसको हमको देखना है। और लास्ट जो टॉपिक है हमारा रोल इन सार्क, सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, सार्क जो है, तो सार्क का क्या रोल है इसको हमें देखना है। तो ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की विदेश नीति जो पेपर का नाम है, और इसमें हमको अपने विदेश नीति के विभिन्न आयामों को देखना है, चाहे वो अप्रोचेज हों, ऑब्जेक्टिव्स हों, डिटरमेंट्स हों, या पड़ोसियों के साथ हमने क्या अपने फॉरेन पॉलिसीज बनाई हैं उसको देखना है, स्पेशली जो हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका हैं, और इसके साथ साथ हमें US एंड रशिया के साथ भी रिलेशंस को देखना है।
और कुछ जो ग्लोबल इश्यूज हैं जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उस पर भी हमें देखना है। और फिर रोल ऑफ सार्क देखना है, रोल इन सार्क, सार्क का क्या रोल है, महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है, उसको देखना है। तो ये हमें हम पेपर जो हमारा DSE जो है 1 है, फॉरेन पॉलिसी का पेपर, उसके अंतर्गत हमें देखना है। इस पेपर के लिए हम लोग कुछ किताबें देख सकते हैं, रिकमेंड कर किया हुआ है, हम लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे कि आप भारत की विदेश नीति अंशु पांडे की ले सकते हैं, भारत की विदेश नीति BL फाड़िया की ले सकते हैं, भारत की विदेश नीति SP सिंगल की आती है वो भी ले सकते हैं, बदलती दुनिया में भारत की विदेश नीति BP दत्त की आती है, भारत की विदेश नीति BN खन्ना और लपाक्षी अरोड़ा की आती है। इंग्लिश में अगर कोई लेना चाहे तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया BN खन्ना की ले सकते हैं और इंडियन फॉरेन पॉलिसी JN दीक्षित की ले सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है इनकी जो किताबें हैं फॉरेन पॉलिसी को, BK सिंह की भी किताबें आती हैं वो भी अच्छी हैं, आप उसको भी ले सकते हैं। तो ये कुछ रिकमेंड की हुई बुक हैं, आपको जो भी अच्छा लगे इसमें, जिसको आप अच्छी तरह से, जिनकी लैंग्वेज आप समझ पा रहे हों, तो उनमें से कोई भी किताब आप ले सकते हैं। बाकी तो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी होती हैं उसमें कंप्लीट करा दिए जाएंगे, लेकिन हाँ एक बेसिक बुक आप अगर अपना पास रखना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी एक खरीद सकते हैं। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं नए टॉपिक के साथ, बहुत जल्द हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।